subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and get notified directly for latest upload. तो कैसे हो गाइस? तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड की हिस्ट्री के ऊपर। एंड्रॉयड किस तरह ग्रो करता गया, किस तरह उसकी पीछे हिस्ट्री कैसी थी, कौन कौन से वर्जन थे और उसमें कैसे कैसे फीचर्स थे। तो गाइस आज हम इसके ऊपर देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो लोग हैं जो एंड्रॉयड के ऊपर काम करें, एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं या फिर उसके अलावा जितने भी लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन चीज़ से वो इस वीडियो से बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि वो एंड्रॉयड की हिस्ट्री के बारे में लोग जानें कि यार किस तरह ये आगे स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ता गया। तो गाइस इसी को हम देखने वाले हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चल तो गाइस इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले जो एंड्रॉयड का वर्जन आया था 1.0 1.1 एंड्रॉयड का वर्जन आया था, जो कि एक सिंपल था लेकिन लोग इससे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए थे इस एंड्रॉयड के वर्जन से। इस पर उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर काम करने के बावजूद काम किया और इसके ऊपर काफ़ी डिफरेंट चीज़ें लेके आए, जिसके बाद जो नया वर्जन इसके बाद लेके आए थे वो था एंड्रॉयड 1.5 कपकेक था। गाइज ये वो एंड्रॉयड कपकेक वर्जन था। इसके अंदर गाइज आपको इसके अंदर आपको टेक्स्ट की फैसिलिटीज़ भी थी, आप बोल के टेक्स्ट कर सकते हैं, नेविगेशन इसमें डाल दिए, गूगल सर्च डाल दी गई थी इसके अंदर। और गाइज इसके अंदर लार्ज स्क्रीन का सपोर्ट दिया गया था आपको, स्पेशली इसका गूगल जो फर्स्ट था इसके अंदर वो एंड्रॉयड फ़ोन था जिसके अंदर डाला गया था। इसके बाद जो फर्दर जो इम्प्रूवमेंट की वो एंड्रॉयड 1.6 जो उसके बाद आया, नोगर्स जिसको कहते थे। तो गाइज इसके अंदर किया गया था कि सबसे पहले जो स्पीक टेस्ट था वो सबसे पहले इसके अंदर डाला गया, आप मतलब बोल के टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये सब कुछ सबसे पहले डाला गया था। उसके बाद एंड्रॉयड जो HTC का सबसे पहले एंड्रॉयड था वो भी 1.6 था। इससे पहले डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम कर रहे थे वो, इसमें जो इस सबसे काम किया गया वो गूगल सर्च इंजन था। इसके बाद जो हमारे पास था वो एंड्रॉयड 2.0 क्लियर जो था, क्लियर वो था जिसके अंदर नेविगेशन पे बहुत इम्प्रूवमेंट की गई और उसके अलावा गाइज इसमें ब्लूटूथ फर्स्ट टाइम हमें इसमें देखने को मिला। और उसके अलावा गाइज फ्लैश में और कैमरे में जूमिंग भी फर्स्ट टाइम इस क्लियर 2.0 में डाली गई। ये वो एंड्रॉयड फोन था जिसमें हमने पहली बार देखा। तो गाइज इससे अगला जो वर्जन मारा था वो था एंड्रॉयड 2.0 था। गाइज ये वो वर्जन था जिसके अंदर आपने जो था अपने मोबाइल को क्लीन कर सकते थे, ऑप्टिमाइज कर सकते थे। इसके अंदर फैसिलिटी ये डाली गई थी गाइज कि अपने मोबाइल को फास्ट टेस्ट करते गए थे गाइज, ये बेहतरी के लिए तरफ लेते गए। उससे अगला जो हमारा एंड्रॉयड 2.3 था, जो जिंगर ब्रेड भी इसको कहा जाता है गाइज, इसमें सिंपली किया गया था इसके अंदर स्काइप का बहुत अच्छा इफेक्ट डाला गया, जिसके अंदर हम लोग एक दूसरे को कॉल किया करते थे, अपलोडिंग वगैरह इसमें सब कुछ इस तरह के फीचर्स और कैमरा इम्प्रूवमेंट बहुत किया गया था। इसके बाद जो सबसे पहले आया उसके बाद आया था वो था गाइज हमारे पास हनी बी का आया था, एंड्रॉयड हनी बी, जो कि सिंपली सबसे पहले टैबलेट व्यू के लिए आया था। अगर किसी ने टैबलेट सबसे पहले लिया हो तो वो उसके अंदर हनी बी का जो 3.0 था वो था। तो गाइज इसको इम्प्रूवमेंट करते हुए एंड्रॉयड ने 4.0 आइस क्रीम वर्जन काला, जो कि इसी को सक्सेसर था जो टैबलेट था उसी का, हमने मोबाइल वर्जन में निकाल के लोगों को दिया, जो कि एक बेहतरीन था, नेविगेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी। उसके बाद जो गाइज अगला आया 4.11 जेली बीन आया था। ये मोस्टली लोगों के मोबाइल में मोस्टली उन्होंने यही देखा गया। सबसे बड़ी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट जो गाइज इसके अंदर कि इसका स्मूथ टच इसमें देखने को मिला, क्वालिटी अच्छी कर दी गई और उसमें गूगल स्पीक टेस्ट को भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर दी गई थी। इसके बाद गाइज हमें जो देखने को मिला वो था एंड्रॉयड 4.4 किट केयर था। तो गाइज ये वो था जिसके अंदर सबसे पहले कंपैटिबिलिटी है, जो हर फ़ोन के अंदर मतलब 512, 512, 1 GB ये सब के अंदर हर फोन के अंदर कंपैटिबल था, और इसके अंदर इमेजो भी हमें देखने को मिला। उसके बाद गाइज में जो हमें देखने को मिला वो 5.0 लॉलीपॉप था गाइज, वो जो कि इसका 5.4 था जिसके अंदर हम मोस्टली TV LCDs कार्स के अंदर भी हम इसको देखते थे। ये वो था कि जो हमारे स्मार्ट फोन में स्मार्ट बन चुका था ये एंड्रॉयड वो वाला। इसके बाद हमें गाइज देखने को मिला एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो।
सबसे इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन ये डालेगी कि लोग यूजर्स ज़्यादा करने लग पड़े एंड्रॉयड को, इसलिए उन्होंने OTG इसकी सपोर्ट इसमें बना के डाल दी है, बहुत बड़ी इसके अंदर चेंज किया गया था। उसके बाद गाइस हमें जो एंड्रॉयड आया 6.01 नॉकआउट, जो सबसे बड़ी इसके अंदर जो की गई वो ये था कि हम नोटिफिकेशन से, आपको एप्लीकेशन खोलने की ज़रूरत थी, नोटिफिकेशन बार नीचे किया वहाँ से रिप्लाई कर दिया, व्हाट्सअप कुछ भी हो फेसबुक वहाँ से रिप्लाई जाता था, एक्सेस मिलती थी। तो गाइज़ ये थी वो एंड्रॉयड की हिस्ट्री जो मैंने आपके साथ शेयर किए। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको ये इंफॉर्मेशन अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी, आपके लिए नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ है, तो गाइज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक बनता है। अगर आप इसके अलावा एंड्रॉयड पे या किसी भी टॉपिक पे आप चाह रहे हैं मैं आपको इस पर गाइड करूँ, इंफॉर्मेशन वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर कमेंट के अंदर बताना है मुझे।